राइज स्टार इंडियाज फास्टेस्ट प्लेयर द इंडियन लेजेंड जिसको वर्ल्ड लेवल पे हर कोई जानता है आज के टाइम पे बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन सर्वर द इंस्पिरेशन ऑफ एवरीवन। तो राइज स्टार की आईडी पे थी वीव है जो कि अभी के टाइम पे रिमूव हो चुका है और वापस नहीं आया और ना ही कभी आने वाला है। राइज स्टार को कर दिया गया पार्टनर प्रोग्राम से किक। राइस्टर ने अपने आईडी पे हैक यूज करा था इसलिए उसको पार्टनर प्रोग्राम से किया गया है किक। या राइस्टर ने अपने आईडी में पैनल यूज करा गया था इसलिए किया गया है किक। पूरी की पूरी रियलिटी, पूरी की पूरी सच्चाई आज पूरे ब्रीफ में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से राइस्टर की वीवेज रिमूव हुई है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो तुम सभी लोगों को पता है राइस्टार के टोटल 3 चैनल है। एक मेन राइस्टार वाला है जिसपे 7 मिलियन सब्सक्राइबर है और जिसपे वीडियो भाई महीने में मत बोलो 3-4 महीने में या 6 महीने में एक बार वीडियो आती है। दूसरी चैनल है राई लाइव जिसपे वो वीक में एक बार लाइव आ जाता है। एंड तीसरी चैनल है राई प्ले जिसपे वो अलग अलग तरीके के गेम खेलता है। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो आती है हमारे बीच वो ये है कि राइस्टार आखिर किस चैनल से था पार्टनर प्रोग्राम में। तो देखो राइस्टार जिस चैनल से था ना पार्टनर प्रोग्राम में वो है उसका सेकंड चैनल लाइव चैनल, क्योंकि मेन चैनल से वो पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकता है। क्योंकि भाई जो बंदा इतना इनकंसिस्टेंट, इतना इनएक्टिव रहता है, साल में 2 वीडियोस डालता है, वो चैनल पार्टनर प्रोग्राम में नहीं ले सकते हैं। तो राइस्टार ने अपने सेकंड चैनल पे एक मॉन्टेज वीडियो डाला था, क्योंकि तुम लोगों को पता है राइस्टार मॉन्टेज ही डालता है नॉर्मली। तो सेकंड चैनल पे जब उसने मॉन्टेज वीडियो डाला उस चैनल पे आ गया गरीना की तरफ से ऑफिशियली स्ट्राइक विदाउट एनी रीजन। अब देखो सेम इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था लेकिन हमारा तो हेल्प नहीं हो पाया क्योंकि भाई ना हम पार्टनर प्रोग्राम में थे ना कुछ, और ऐसे भी पार्टनर प्रोग्राम वालों की तो दुश्मनी है ही, हमसे पुरानी है, वो तो सदियों से चली आ रही है, मतलब 1.5 साल हो गए इस बात को, तो ठीक है। बट राइस्टार तो उनका खुद का बंदा था जिनको वो मैनेज करते थे, जिसके चैनल को राइस्टार लाइव वाला, इनको तो भाई स्ट्राइक हटाना चाहिए था ना राइस्टार का। बट राइस्टार ने बहुत बारी बात करी इनसे कि भाई बिना रीजन के मेरे पास स्ट्राइक आया है, अगर तुम स्ट्राइक नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट रीजन बताओ। बट सामने से नो रिप्लाई, क्योंकि तुम लोगों को पता है गरीना के यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी राई ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई पार्टनर प्रोग्राम में अब नहीं रहना है। बट पूरा सीन क्रिएट हुआ जब ऑलमोस्ट अभी 2 या 2.5 महीने पहले राइस्टार को बोला गया एक प्रमोशन करने के लिए किसी इवेंट का। अब मेरे को ये बताओ जो बंदा सिर्फ गेम प्ले करता है, बाकी सारी दुनियादारी की चीजों से अलग रहता है, उस बंदे को तुम फ्री फायर के इवेंट प्रमोट करने बोलोगे, आई गॉट दिस बंडल, आई गॉट 20,000 डायमंड, आई गॉट 1,00,000 डायमंड, 5-6 हिप हॉप का कलर चेंज करके, वो थोड़ी करेगा वो बंदा भाई। उस बंदे को लोग इंस्पिरेशन गेम प्ले के लिए मानते हैं, तुम उससे ये टॉप अप लोकेस गेमर उसको बनवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बंदा नहीं करेगा, उसने मना कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने राइस्टार को बोला कि हम आपको 1 महीने के लिए यहां से बैन कर रहे हैं एंड आपके आईडी में जो भी डायमंड वगैरह जाती थी या जो भी कुछ होता है वो हम नहीं दे सकते अभी के टाइम पे। तुम लोगों को पता है उसके बाद क्या हुआ, राइस्टार का दिमाग घुमा फिरा है, तुम लोगों को भी पता है ये चीज, बंदा गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि बंदा उसूल पे जीता है। बस फिर क्या होना था, उसके बाद राइस्टार ने डिसाइड किया खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा गुड बाय गया। तो जब राइस्टार ने मेरे को ये सारी बातें बताई ना, मैंने बोला भाई ये तेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि देखो राइस्टार को ऐसा नहीं है कि पार्टनर प्रोग्राम से पैसा आ रहा है तब भी है, वो बंदा अलग लेवल पे कमाता है, तुम लोगों को पता है, क्योंकि सब कुछ सही है ना, उसका चैनल से लेके इमेज से लेके स्टारडम तक जलवा है हमारा, तो बंदे को जरूरत नहीं है पार्टनर प्रोग्राम के पैसों से। ऐसा नहीं कि उसका घर चलता पार्टनर प्रोग्राम से, बहुत सारे तुमने वीवेज क्रिएटर को देखे होंगे जिनके 2K 10K व्यूज आते हैं अभी वो पार्टनर प्रोग्राम में, तो उन लोगों का भाई घर चलता है, ठीक है। तो वैसे लिस्ट में तो नहीं आता है हमारा राई एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा डिसीजन था ये राइस्टार का, क्योंकि देखो अभी फ्री फायर का हाल कैसा है, पूरा बेहाल हो रखा है, मेरे को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। एंड राइस्टार का क्या है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके की गेम खेलता, अपने थर्ड चैनल पे GTA वगैरह तुम लोगों को पता है, सेकंड चैनल पे वो लाइव कर सकता था बट नहीं कर पाता था ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ पार्टनर प्रोग्राम। बट अभी के टाइम पे उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, पूरे तरीके से उसको फ्रीडम है, जो मर्जी जो खेलना है उसको वो खेल सकता है, चाहे वो GTA हो, BGMI हो, कोई सी भी गेम अब वो आराम से, बहुत आराम से खेल सकता है अपने सेकंड चैनल पे, क्योंकि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, मस्त इंडिपेंडेंट रहो, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे बोलने वाला नहीं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और रही बात वीवेज की, तो वीवेज की जरूरत उन लोगों को पड़ती है ना जिनका कोई इमेज नहीं हो, जिनको कोई जानता नहीं हो।
अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ना लोग अपना भाई मानते हैं, अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, अपनी दुनिया मानती है। वैसे प्लेयर्स को वीवीएच की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे को भी लोग बोलते हैं कि भाई आपने पार्टनर प्रोग्राम क्यों लीव करा, अपनी वीवीएच क्यों हटवा ली, वीवीएच होना चाहिए था। यार इन शॉर्ट मैं बताऊं ना, मैं कसम से बता रहा हूं, मेरे को कभी बुरा नहीं लगता कि भाई आपके पास वीवीएच नहीं है या ऐसा कुछ। मेरे को नहीं लगता अंदर से भाई कभी भी बुरा, ठीक है। मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, क्योंकि भाई सामने से लात मारा था पार्टनर प्रोग्राम को और आज भी ये चीज ना गर्व से बोलता हूं, आई एम प्राउड ऑफ दैट। कुछ लोगों को ऑडियंस वीवीएच की वजह से जानती है, लेकिन हमारे वजह से लोग वीवीएच को जानती है, तो ये है डिफरेंस। लव यू गाइज आर सीरियसली, एंड इसी बात पे यार सारे लोग लाइक कर दो वीडियो को, एंड चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड हम भी बहुत जल्द कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे, वो भी हमारे मेन चैनल पे। अब कैसा चलेगा कैसा नहीं वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को पसंद आता है या नहीं, बट विश्वास करो मेरा बहुत मजा आएगा। मैं BGMI की थोड़ी कंटेंट लाने वाला था, बट BGMI पे भी बैन लग चुका है, इस वजह से मैं BGMI में अभी नहीं घुस रहा हूँ। बट कुछ तरकता भरकता मजेदार तुम लोगों को देखने के लिए आएगा, तो उसका वेट करना। एंड यस, दिस वॉज फॉर टूडे, मिलेंगे आपसे एक न्यू फिस्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्प्रेड लव। मैं ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में।